Hello everyone, once again welcome to our channel Maxwell Studio. So अब हम पढ़ते हैं about the vegetations in India. ठीक है, हमारे previous lecture में lecture 2 में हमने पढ़ा about the vegetations in Brazil, जहाँ पे हमने काफी सारे variations देखे Brazil में और vegetations in Brazil is very rich. ये भी हमने देखा, ये भी हमने पढ़ा, हमारा जो conclusion था ये भी था हमारा. ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि इंडिया में वेजिटेशन कौन से हैं, कैसे हैं और कहां पाए जाते हैं. सो वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, इन रीजन्स विच रिसीव्स मोर देन 2000 mm ऑफ रेनफॉल ऑन एन एवरेज अलोंग विद द अबंडेंट सनलाइट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड. ठीक है, यहां पर क्या बोला है कि एक पर्टिकुलर रीजन में एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बताया है. जैसे हमने प्रीवियस क्लास में हमने ब्राजील में भी देखा कि कुछ ब्राजील में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. ठीक है, तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है क्या? एवरग्रीन फॉरेस्ट एक ऐसा पर्टिकुलर फॉरेस्ट है जो थ्रू आउट द ईयर आपको हमेशा एवरग्रीन ही दिखने मिलेगा. ठीक है, आपको वो हरी भरी ही दिखेगी, इसलिए उसे बोला जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट. ठीक है, आप थ्रू आउट द ईयर आप जब भी जाओगे तो वो एवरग्रीन रहेगा बिकॉज ऑफ द प्रेसिपिटेशन, बिकॉज ऑफ द रेनफॉल. सो इंडिया में भी यही बोला है कि जहां पर 2000 mm ऑफ रेनफॉल या उससे ज्यादा रेनफॉल एज एन एवरेज, ठीक है, होगा, सो उस पर्टिकुलर रीजन में जो सनलाइट वगैरह जो अच्छे होंगे तो फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, रेन काफी मॉइस्चर जितना एक पर्टिकुलर ट्री को चाहिए होता है वो काफी अच्छा मिलेगा. सो इस पर्टिकुलर जगह पर एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने मिलेगा हमारे इंडिया में भी. द ट्रीज हैव हार्ड वुड हैवी एंड ड्यूरेबल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रोज वुड एंड रबर, आपने लास्ट लेक्चर में रोज वुड का एक पर्टिकुलर इमेज देखा. सो ट्रीज जो है, ठीक है, वो ट्रीज के बहुत सारे बेनिफिशियल, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि ट्रीज एक ऐसी चीजें है, एक ऐसा गॉड गिफ्टेड है, एक नेचर गिफ्ट है जो काफी ज्यादा यूजफुलनेस होता है इन टर्म्स ऑफ फूड्स ले लो या इन टर्म्स ऑफ रबर, जो भी वुड्स फर्नीचर्स एंड फिक्स्चर्स के लिए भी काफी अच्छा होता है. सो ट्रीज के जो कैरेक्टर होते हैं, उनका जो स्टेम होता है, हार्ड वुड्स जो वो मिलते हैं हमें ट्री से, ठीक है, हम उनसे वो कैसा होता है कि वो काफी हैवी एंड ड्यूरेबल भी होता है और हम उनसे काफी सारी चीजें बना सकते हैं. जैसे रोज वुड एक है, ठीक है, विच इज वेरी बोलते हैं ना कि गुड क्वालिटी, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, रोज वुड इज वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है, उसकी फर्नीचर वगैरह बनाओगे तो काफी ड्यूरेबल होगा, वो जल्दी खराब नहीं होगा. ठीक है, देन हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी आर फाउंड इन द फॉरेस्ट. ठीक है, सबसे ज्यादा इंडिया के फॉरेस्ट की अगर आप बात करोगे तो इंडियन फॉरेस्ट में आपको बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा मिलेगा, मेडिसिन के प्लांट्स में और फ्रूट्स के प्लांट्स में, कैश क्रॉप के प्लांट्स में, जितने भी प्लांट्स हैं उनमें काफी ज्यादा वेरिएशन मिलेगा. इवन वेजिटेशंस भी, वेजिटेशंस में ही मिलेगा और वाइल्ड लाइफ और एनिमल्स के अंदर भी आपको काफी सारा वेरिएशन मिलेगा. बिकॉज आप जानते हो कि इंडिया इज अ बायोडाइवर्स कंट्री. ठीक है, जहां सिर्फ लैंग्वेजेस, रिलीजियस क्यूजिन्स को लेकर और लोगों को लेकर ही वेरिएशन नहीं है, यहां पर एनिमल्स एंड वेजिटेशंस को भी लेकर काफी ज्यादा वेरिएशन देखने मिलेंगे. इन रीजन्स रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 1000 mm टू 2000 mm इन इंडिया डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड. ठीक है, डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, जहां पर एक ऐसा फॉरेस्ट जो डिजर्ट्स एरिया में होते हैं, यानी कि एक ऐसा अरे ड्राई ड्राई फॉरेस्ट. ठीक है, यानी कि डेसिडियस, यानी कि जहां पर इतना ज्यादा एवरग्रीन, यानी हमेशा आपको एवरग्रीन वो देखने नहीं मिलेगा, जहां रेनफॉल काफी कम होता है उस पर्टिकुलर एरिया में आपको डेसिडियस फॉरेस्ट देखने मिलेगा. इन ड्राई सीजन द ट्रीज शेड देयर लीव्स सो दैट द वाटर इज नॉट लॉस्ट ड्यू टू इवापोरेशन, फॉर एग्जाम्पल टीक, बैम्बू, बनियान, पीपल एक्सेट्रा. ठीक है, ये कुछ ट्रीज हैं, आप देख सकते हो कि टीक, बैम्बू, बनियान, पीपल, ये कुछ ट्रीज हैं. ऐसे ट्रीज ड्राई सीजन में क्या करते हैं, अपने लीव्स को बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं. क्यों? वो मुरझा जाते हैं बिकॉज वो वाटर जो सन रेज की वजह से इवापोरेशन को, प्रोसेस को बंद करने के लिए और कम वाटर लॉस करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने लीव्स को क्लोज कर देते हैं. ठीक है, सो मेरे पास फोटोज हैं, आप देख सकते हो टीक, दिस इज अ टीक प्लांट. ठीक है, दिस इज बैम्बू, इसके जो बैम्बू होते हैं काफी ज्यादा काफी जगह पर यूज होते हैं. ठीक है, देन बनियान ट्री,
आपने देखा होगा कि बनियन ट्री पे लोग अक्सर इस पे झूला भी झूलते हैं लगाकर, ठीक है। सो ये बनियन ट्री है। देन पीपल, पीपल भी आपने अपने सराउंडिंग में देखा होगा, इजीली आप देख सकते हो। सो ये कुछ ट्रीज हैं, ठीक है। ये ट्रीज बनियन ट्री, पीपल, बैम्बू, टीक, ठीक है, ये भी ये पाए जाते हैं हमारे इंडिया में भी मोस्टली। ये इजीली आपको मिल जाएंगे, ठीक है, सराउंडिंग में। देन कंटिन्यू करते हैं, रीजन्स दैट रिसीव लेस देन 500 mm, ठीक है। अब तो जैसे हमने बात किया, देखो अभी यहां पर देखो इंडिया के वेजिटेशंस का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। 2000 mm एवरेज और अबाउट 2000 mm एवरग्रीन फॉरेस्ट में आ जाता है, ठीक है। देन बिटवीन द वन बिटवीन 1000 एंड 2000 mm जो पड़ेगा, ठीक है, बिटवीन 1000 mm एंड 2000 mm किसके अंदर आ जाएगा, डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब बात हो रही है यहां पर 500 mm की, ठीक है। तो रेनफॉल जहां पर 500 mm होगा और ड्राई समर होगा, लॉन्ग पीरियड होगा इंडिया में, ठीक है, वहां पर जो वेजिटेशन होगा वो कैसा होगा, थॉर्नी एंड श्रब, ठीक है, घास फूस वाले और थॉर्नी कांटे वाले वेजिटेशन आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। द लीव्स आर स्मॉल इन साइज, वो काफी छोटे होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैक्टस है, एककाई है, ठीक है, केजरी है, ठीक है, एंड वैरायटीज ऑफ कैक्टस लाइक एलोवेरा, ठीक है, एंड अगेव, ठीक है, अगेव प्लांट्स एंड एलोवेरा इज ऑल्सो यूजफुल फॉर मेडिसिनल पर्पस, ठीक है, जो मेडिक्लेम यानी कि जो मेडिसिनल्स मेडिसिन के भी काम आते हैं, ठीक है। ब्यूटी जैसे अगर आप अगर अपने फेस वगैरह को, ठीक है, आप स्किन केयर के लिए भी उन्हें यूज किया जा सकता है। मेरे पास यहाँ पर इनकी इमेजेस है, ठीक है, कैक्टस है, एककाई है, ठीक है, ये 500 mm और उसके नीचे रेनफॉल होता है उस पर्टिकुलर रीजन में हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, थॉर्नी एंड श्रब फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये देखो एलोवेरा है, केजरी है, ठीक है, दिस ऑल आर द इमेजेस ऑफ प्लांट्स, ठीक है, कैक्टस वगैरह, थॉर्नी एंड श्रब टाइप ऑफ वेजिटेशन में, ठीक है। तो अब तक हमने थ्री टाइप देखे, एवरग्रीन, डेसिडियस एंड थॉर्नी एंड श्रब टाइप, याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन कंटिन्यू करते हैं, इन स्वैम्पी एरियाज, एश्यूरीज एंड लगून्स नियर कोस्टल एरियाज हैविंग सलाइन सॉइल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। अब आप लोगों ने लगून्स के बारे में अपने प्रीवियस क्लास में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, और आपने एश्यूरीज के ऊपर वीडियोस देखे थे जहां मैंने आपको 3rd चैप्टर में, जब मैं आपको बता रहा था फिजियोग्राफी, उस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको मैंने एश्यूरीज बताया है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो स्टिल आपके पास टाइम है, यूट्यूब पे जाइए, ठीक है, गो टू द एडेप्टिव लर्निंग, एंड उस एडेप्टिव लर्निंग पे आपको एश्यूरीज का वीडियो भी आपको देखने मिलेगा मेरे लेक्चर्स में, जो कि चैप्टर नंबर 3 में है, ठीक है। सो ऐसे जगह पर सॉइल में सैलिनिटी होती है, ठीक है, ये कोस्टल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन होते हैं, ठीक है, और इन कोस्टल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन को हम एक अलग नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें बोलते हैं हम मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट इज नथिंग बट ऐसा फॉरेस्ट जो कोस्टल एरियाज में आपको देखने मिलेगा, तो दे आर कॉल्ड मैंग्रोव ऑफ, और सुंदरबंस, सुंदरबंस आपको ऑलरेडी पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि वॉट इज सुंदरबंस, ठीक है। द वुड ऑफ दिस ट्रीज इज ऑयली, काफी ऑयली होता है, लाइट इन वेट एंड ड्यूरेबल, ठीक है। इनके जो वुड्स होते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट के, ट्रीज के जो स्टेम के वुड होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑयली होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं और ड्यूरेबल इन नेचर होते हैं। इन इंडियन हिमालयस द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के हिसाब से फॉरेस्ट भी अलग अलग इंडियन में नॉर्दर्न पार्ट में, हिमालय पार्ट में भी देखने मिलेंगे। द एरिया लोकेटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड सीजनल फ्लावर ट्री आर फाउंड, देखिए जो भी सीजनल फ्लावर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन्स ग्रो होते हैं वो आपको देखने वहां पर मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द सीजन। सो ये है हमारा वेजिटेशन ऑफ इंडिया। देखो लगून्स आप देख सकते हो, मैंने आपके लिए इमेजेस यहां पर डाला है कि आप इसे देखकर आप एक रिमेंबर कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। स्मॉल वाटर बॉडी, ठीक है, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द सी, ओपन सी, इज नोन एज लगून्स, ठीक है। बड़े लगन से देखो इसे, नाउ यू कैन सी एश्यूरीज, ठीक है, ये है एश्यूरीज, एट द एंड वो जाकर वापस से अगेन ओशन से जाके मीट होता है, दिस इज एश्यूरीज, ओके। सो कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं, इन रीजन with the medium altitude coniferous trees are found like
here like pine, that deodar, okay, deodar, pine, these are the coniferous trees, okay. At these foothills, mixed forests are found. This includes both coniferous and deciduous, okay, deciduous ka opposite coniferous, okay. Yahan par aapko dono mixed आपको देखने मिलेंगे, ठीक है, मिक्स्ड फॉरेस्ट देखने मिलेगा यहां पर. पाइन का आप देख सकते हैं, यहां पर मेरे पास इमेज है. दिस इज पाइन, दिस इज डियोडर, ठीक है, डियोडर पाइन. तो ये था हमारा वेजिटेशन इन इंडिया, ठीक है. जैसे हमने ब्राजील में देखा कि ब्राजील में वेजिटेशन काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा रिच है, वैसे ही हमारे इंडिया में भी वेजिटेशन कुछ जगह पर रिच है और कुछ जगह पर डेंसली नहीं है, ठीक है. आप देख सकते हो कि हमारे इंडियन वेजिटेशन को कैसे क्लासिफाई किया गया, अलग अलग एवरग्रीन फॉरेस्ट में, डेसिडियस फॉरेस्ट में, कॉनिफरस फॉरेस्ट में, देन हमारे थॉर्नी एंड श्रब फॉरेस्ट में, ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट में, ये अलग अलग जगह पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो अलग अलग उनके नाम दिए गए हैं, ठीक है. होप आप लोगों को वीडियो में कंसेप्ट जो बताए गए हैं वो आप लोगों को क्लियर हुए होंगे. इफ एनी डाउट्स रिगार्डिंग द कंसेप्ट, वही बोलना चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई करके उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को क्लियर कराने के लिए, ठीक है. आपको करना क्या है, वेजिटेशंस ऑफ इंडिया एंड वेजिटेशंस ऑफ ब्राजील, वेजिटेशन इन इंडिया एंड ब्राजील, आपको नोट्स बनाना है और आपको प्रिपेयर करना, अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक है. सो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. हमने वी हैव कवर्ड 50% ऑफ द चैप्टर, ठीक है, चैप्टर के 50% हमने कवर किए, वेजिटेशंस पढ़ लिया. अब बचा है हमारा सिर्फ ब्राजीलियन वाइल्ड लाइफ एंड इंडियन वाइल्ड लाइफ, ठीक है, देन वी आर We will be end of the chapter, ठीक है. So next two video हमारे जो chapter lecture four और lecture 5 होगा हमारा किस पे, wildlife animals पे, ठीक है. मिलेंगे next video में, तब तक के लिए please like, comment, share and subscribe. Thank you.